नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डीएसपी जियाउल हक की हत्या का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। शनिवार रात हत्या हुई थी और इस वक्त तक सिर्फ दो गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बारे में जब संवाददाताओं ने सांसद रामगोपाल यादव से सवाल किया तो झिड़क दिए, कहा कि अब मामला सीबीआई के पास है, जाकर सीबीआई डायरेक्टर से पूछ लीजिए कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति और सत्ता समीकरणों को समझने वाले कहते हैं कि कुछ होगा भी नहीं। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसके पास सीबीआई है, जिसे लखनऊ की सरकार चाहिए, तो दूसरी तरफ लखनऊ की सरकार है जिसकी साख दांव पर लगी है। बीच में जियाउल हक को मारने वाली भीड़ गायब हो गई है। आप एक वरिष्ठ आईपीएस वहां पे जो है उस टाइम में कुछ असमित साक्षी नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और विवेचना वही एस्टैब्लिश करना है कि क्या हुआ। अभी से इंटरफेरेंस और हम सारा इंफरेंस कैसे निकाल लें। ये अरुण कुमार हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। इनसे जब पूछा गया कि रघुराज प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि पहले यह तो तय कर लें कि अपराध कैसे हुआ। जिस रिवॉल्वर से गोली मारी गई वो नहीं मिला, गोली भी नहीं मिली है, गवाह नहीं मिल रहा है, और आप हैं कि रघुराज प्रताप सिंह को गिरफ्तार करो का नारा लगा रहे हैं। वहां आएगा कौन? हाँ जी, हमने देखा है, हम बताते हैं कि क्या हुआ। ये कोई कहने आएगा? जब आप जाति और धर्म के नाम पर सिस्टम को चलाने वाले चुन सकते हैं तो यह भी समझते ही होंगे कि गवाह क्यों नहीं मिलेगा। वैसे पुलिस ने रघुराज प्रताप सिंह के एक आरोप का खंडन कर दिया है कि गांव के प्रधान की हत्या पुलिस ने की थी। अरुण कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। पत्नी परवीन आजाद कह रही है कि 3 गोलियां लगी थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि 1 गोली लगी है, वो भी फेफड़े को पंचर करते हुए सीने के पार निकल गई, जो मिल नहीं रही है। जियाउल हक की सर्विस रिवॉल्वर भी नहीं मिली है। आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि उसी रिवॉल्वर से जियाउल हक को मारा गया। फिर भी कोई नहीं मिल रहा है जो बता सके कि हत्या कैसे हुई। ना गोली, ना गवाह, ना इंसाफ। तो सीबीआई के पास इंसाफ कोई लेमन चूस नहीं कि हाथ में आपको पकड़ा दे। उसी उत्तर प्रदेश में 82-83 में जियाउल हक से मिलती जुलती एक घटना हो चुकी है। एक आईपीएस की डीएसपी केपी सिंह हैं, उनसे बनती नहीं थी। केपी सिंह सख्त अफसर बताए जाते थे, तभी एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कई अपराधी मारे गए, और उसी एनकाउंटर में डीएसपी केपी सिंह भी मारे गए। केपी सिंह के शरीर से पुलिस की ही गोली निकली थी। तब यह बात आई थी कि एसपी के इशारे पर सब इंस्पेक्टर ने कथित रूप से डीएसपी को गोली मारी थी। गोंडा की यह घटना है जिसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। और भी इसके तथ्य होंगे, पर मैं यहां संदर्भ के लिए बता रहा हूं। जब आप इन सब कई परिस्थितियों के हिसाब से आप राजनीति को देखते ही समझते हैं, तो ये समझिए कि इस घटना का क्या नतीजा निकलने वाला होगा। अब आ जाइए मेरठ। यहाँ के शाहजहांपुर में डकैतों ने डॉक्टर शमीम की हत्या उन्हीं की क्लिनिक में जाकर कर दी। पत्नी की पुकार पर भीड़ ने एक बदमाश को मारा तो पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। डॉक्टर शमीम की पत्नी हिना कौसर भी डॉक्टर हैं। आरोप लगाया है कि उनके ड्राइवर इकराम का हाथ हो सकता है। डॉक्टर शमीम को इंग्लैंड जाने का मौका मिला था। स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था, तो पिता ने कहा कि कस्बे में कोई अस्पताल नहीं, बेटा विदेश मत जाओ। जिस क्लिनिक को कस्बे के लिए बनाया उसी में उसे मार दिया गया। इसके बाद भी डॉक्टर शमीम के पिता ने कहा कि किसी बेगुनाह को नहीं फंसाया जाना चाहिए। इस मामले पर कोई बयान तो नहीं आया है, मगर जियाउल हक मामले में कई राजनीतिक संभावनाओं के कारण सभी जरूरी राजनीतिक बयान दे दिए गए हैं सभी की तरफ से। अब चलते हैं पंजाब के जिला तरन तारण। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे पंजाब पुलिस के ये दुबले पतले सिपाही लाठियों के सहारे एक हट्टी कट्टी लड़की को मार रहे हैं। पंजाब पुलिस के मुखिया ने कहा है कि इस लड़की ने एक पुलिस वाले की पगड़ी उछालने की कोशिश की और इसका पिता नशे में था। फिर भी प्रमुख जी के अनुसार जो हुआ वो निंदनीय है और 2 सिपाही सस्पेंड हैं, जबकि तस्वीर में कम से कम 6 या 7 सिपाही दिख रहे हैं। एक पुलिस अपने अफसर को मरता छोड़कर भाग जाती है और एक जगह पुलिस है कि लड़की को देखते ही ताकतवर हो जाती है। बाद में नेताओं ने लड़की की जाति भी ढूंढ ली ताकि मामला और गंभीर लगे। पंजाब में यह पहली घटना नहीं है। अगर यह घटनाएं इतनी ही गंभीर हैं तो राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि पुलिस सुधार को लागू करने में उनका रिकॉर्ड क्या है, और वो सुधार जो अब खुद स्वर्ग सिधारने की स्थिति में है। लाठी सिर्फ पुलिस नहीं चलाती, सरकार भी चलवाती है। पटना में लाठियों के नीचे आए ये आपके टीचर हैं जो देश की साक्षरता दर को बढ़ाकर अपनी मांगों के लिए मार खा रहे हैं। शिक्षा मित्रों की मांग है कि नौकरी पक्की कर दी जाए। पुलिस कहती है कि इन टीचरों ने कारें जला दी इसलिए लाठी चार्ज करनी पड़ी। किस किस से सहानुभूति रखेंगे आप? जियाउल हक से, डॉक्टर शमीम से, नरेंद्र कुमार से, तरन तारण की लड़की से, या इन टीचरों से? और कहां कहां रायसीना हिल्स पर जाएंगे? पटना की पुलिस भीड़ को कैसे घेरती है? यूपी की पुलिस भीड़ देखकर भाग जाती है। तो ये सत्ता का चेहरा जो आप बनाते हैं, पुलिस का चेहरा जिसे आपकी बनाई हुई राजनीति बनाती है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे, पहले पंजाब फिर उत्तर प्रदेश।
प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, आप सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, नरेश गुजराल जी हैं, आप सांसद हैं अकाली दल के, सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी नेता, गौरव भाटिया साहब हैं आप लीगल सेल समाजवादी पार्टी के हेड हैं, और डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश गुजराल जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि 6 या 7 पुलिस वाले मौके पर इतने कमजोर से निरीह से पुलिस वाले दिख रहे हैं, उनकी पगड़ी एक लड़की उछाल देती है और उसकी इस तरह से जो तस्वीरें चल रही हैं पिटाई की जाती है, आपने जो कार्रवाई की, ये आपको उस कार्रवाई से आप ही को भरोसा है? पहले मुझे ये बताइए सर। एक कानून है जिसको फॉलो सबको करना पड़ेगा, और कानून ये है कि आप उस वक्त पहले ऑफिसर को या पुलिस वाले को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड करने के बाद आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं जो हमने की, और जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, डीएम कर रहे हैं, ये कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, और अगर वो इनको गिल्टी होल्ड करता है, जो मुझे पूरी आशा है कि गिल्टी होल्ड करेगा, तो हम इनको नौकरी से खारिज करेंगे। ये 7, 6 या 7 लोग हैं। मैसेज जाए ताकि देखिए, हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये बड़ी अफसोसजनक घटना थी, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।